नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने कमल एजुकेशन एकेडमी के अंदर। तो आज के हम लोग वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम किसी भी डिज़ाइन को बड़ी ही आसानी से किसी भी मॉडल के ऊपर उसे अप्लाई करके कैसे चेक कर सकते हैं कि आपकी बनाई हुई डिज़ाइन कितनी परफेक्ट है, और उसको हम किस तरीके से और परफेक्ट मॉडल के ऊपर अप्लाई करके हम अपने सैंपल को तैयार कर सकते हैं। जैसे आपने थंबनेल में देखा है कि हम एक सूट को, यानी सूट की डिज़ाइन को हम एक मॉडल के ऊपर अप्लाई करेंगे और उसे रेडी करके दिखाएंगे कि हम किस तरीके से कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं एक एक पॉइंट आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। आप इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिए तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल पे आके यहाँ पर आपको सर्च करना है, गूगल पहले ओपन कर लेना है। गूगल में आपको सर्च करना है सूट फॉर वूमन, और वो भी कौन से कलर का, व्हाइट कलर में आपको ढूंढना है। डिज़ाइन अवेलेबल है व्हाइट कलर की, लेकिन यहाँ से इसे हम डाउनलोड नहीं कर सकते, तो हम सीधा जाएंगे इमेजेस में, और इमेजेस में आकर आपको यहाँ से कोई भी सूट का व्हाइट कलर में आपको एक मॉडल को चॉइस कर लेना होगा। तो मैं यहाँ से मॉडल चॉइस कर लेता हूँ या खोज लेता हूँ। तो देखिए सेम फ़ोटो मुझे मिल रही है, लेकिन मैं इसे यहीं से राइट क्लिक करके इसे डाउनलोड करने की कोशिश करूँगा, नहीं तो पहले इसे यहाँ पर बड़ा कर लेंगे, देन आफ्टर मैं राइट क्लिक करके इसे सेव करूँगा। तो जैसे ही मैं इसके सेव करूँगा तो ये JPG में सेव हो जाती है। आप देख सकते कि इस मॉडल को मैंने डाउनलोड कर लिया है, बट ये HD में नहीं आया, तो कोई बात नहीं, फिर भी हम इसका उपयोग करेंगे। अब आपको क्या करना होगा कि इस डिज़ाइन को सीधा आपको ड्रैग करके अपने फ़ोटोशॉप में लेके आ जाना है। अब फ़ोटोशॉप में जैसे लाएंगे तो ये इमेज यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। इमेज के आ जाने के बाद आपको अब इसमें कार्य क्या करना है, तो सबसे पहले हम इसका रेजुलेशंस को थोड़ा बढ़ा देंगे 150 पिक्सल पे, तो ये थोड़ी इमेज क्लियरिटी में और परफेक्ट हो जाएगी। अब आपको यहाँ से क्या करना है, इसने जो ये सूट पहना हुआ है उस सूट का आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना पड़ेगा एकदम परफेक्टली। तो मैं यहाँ से क्विक सिलेक्शन टूल का उपयोग करके और इस पर ड्रैग करके आपको सेलेक्ट करके दिखाऊंगा कि ये सिलेक्शन कैसे हो रहा है। तो देखिए पहले तो मैं इसे एक ही झटके में कर लेता हूँ, फिर इसकी बारीकी के ऊपर हम काम करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हैंड के ऊपर आ गया, तो मैं यहाँ से लेसो टूल का उपयोग करके और अल्टर बटन दबा के अपने हैंड मूवमेंट से भी इसके ऊपर इस तरीके से कटआउट को एडजस्ट कर सकता हूँ। तो देखिए ये कटआउट वहाँ पे बन चुका है। सेम ऊपर नेक में भी एक्स्ट्रा चला गया है, तो मैं यहाँ से इसे डायरेक्ट सिलेक्शन कर रहा हूँ, नहीं तो आप पेन टूल का उपयोग करके भी इसके सिलेक्शन को एकदम परफेक्टली कटिंग कर सकते हो। तो देखिए ये चीज़ मैंने यहाँ पर कटआउट कर लिया, तो ये सूट का जो हिस्सा है वो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सिलेक्शन कर दिया। अब आपको क्या करना है, Ctrl+J करना है। Ctrl+J जैसे ही आप करोगे तो इसका एक डुप्लीकेट ऊपर बन जाएगा, ये देखिए। तो डुप्लीकेट बन जाने के बाद आपका यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट शुरू होता है कि आप अपनी कौन सी डिज़ाइन, यानी कि कौन सी सूट की डिज़ाइन को इसके ऊपर अप्लाई करके देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मेरे पास ऑलरेडी डिज़ाइन बनी हुई रखी है मेरे फोल्डर में, तो मैं यहाँ से एक डिज़ाइन ले लेता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये सूट की डिज़ाइन मैंने बनाई हुई है, तो उसको आपको यहाँ से ड्रैग करके अपनी इस पेज पर ला के उसे छोड़ देना है, देन आफ्टर इंटर कर देना। इंटर करने के बाद Ctrl+T और इसकी साइज़ को थोड़ा छोटा करेंगे, यानी कि डिक्रीज़ करेंगे। तो डिक्रीज़ करने के बाद आप इसको ओपेसिटी इसकी 50% रख दीजिए। क्यों रखना है, क्योंकि हमें इसकी साइज़ के हिसाब से इसे सेट भी करना होगा। तो मैंने यहाँ पे देखिए हल्का हल्का आपको दिखाई दे रहा है, सेन आफ्टर आप इसे Ctrl+T करके इसके साइज के हिसाब से इसे सेट करना शुरू कर सकते हैं। सेट करने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि हमने इसका सूट का एरिया जो निकाला था उसके ऊपर इसे क्लिप मार्क्स करना है, तो डिज़ाइन पे आप राइट क्लिक करेंगे तो उसमें आपको मिलेगा क्रिएट क्लिपिंग मार्क्स, तो उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। देन आफ्टर इसकी ओपेसिटी को हम यहाँ से 100% कर देंगे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पार्ट है,
कि इसके जो चेंज मोड है उसमें हम जाएंगे। तो चेंज मोड में यहाँ पर आप मल्टीप्लाई वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे, तो इसमें जो रिफ्लेक्शन था यानी कि टूटन थी, जो इफ़ेक्ट है वो इसके ऊपर आपको अप्लाई हुआ दिखेगा, लेकिन ये अभी भी परफेक्ट नहीं लग रहा है। तो उसके लिए हम डिज़ाइन पे क्या करेंगे, कंट्रोल टी करेंगे और यहाँ पर राइट क्लिक करके ग्रेप ऑप्शन लेंगे और यहाँ से इसके डिफ़ॉल्ट ग्रिड लाइन 3x3 ले लेंगे। यहाँ से देखिए नीचे से इस डिज़ाइन को हम ऊपर की ओर उठा सकते हैं, जो हमारी डिज़ाइन को एक नेचुरल लुक दे सकता है। यहाँ से बीच से भी हम यहाँ से पकड़ के से ऊपर की ओर ड्रैग करेंगे, जो आपके डिज़ाइन के ऊपर परफेक्टली सेट हो जाएगा। देन आफ्टर यहाँ पे जहाँ आप देख रहे हैं उसकी जो कमर है, तो कमर के पास कुछ डिज़ाइन स्ट्रीच होनी चाहिए, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर कमर वाले हिस्से पे डिज़ाइन को थोड़ा सा दोनों साइड से स्ट्रीच करके दिखाएंगे और जो कमर के नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पर हम उसे डिज़ाइन को थोड़ा सा बड़ा दिखा सकते हैं एज ए बॉडी शेप के हिसाब से। देन आफ्टर आप इसे ओके कर सकते हैं। तो ये फाइनल नहीं हुआ है, अभी इसमें हमें थोड़ा सा साइडो इफ़ेक्ट भी लेना है। तो जो हमारे पास रिफ्लेक्शन वाली ये फाइल है इसके ऊपर हमें क्या करना है, साइडो इफ़ेक्ट भी अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आपको कंट्रोल एम दबाएंगे तो हमारे पास कर्व ऑप्शन आएगा, तो यहाँ से इसे नीचे की ओर हल्का करेंगे तो ये इसका जहाँ जहाँ साइडो एरिया है वहाँ पर ब्लैक आएगा और जहाँ लाइट है वहाँ पर लाइट आएगा। तो हम उसे उस तरीके से अप्लाई कर देंगे, देन आफ्टर ओके कर देते हैं। अब देखेंगे कि इसके ऑप्शन को ऑन करते हैं तो ये इसके ऊपर एकदम परफेक्ट मैच हो चुका है। तो यानी कि आप इस प्रकार से अपनी डिज़ाइन के सूट के डिज़ाइन को किसी भी मॉडल के ऊपर अप्लाई करके और उसको आप पार्टी को प्रेजेंटेशन के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। आई होप यू, आप मैं समझ सकता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने किस तरीके से इस मॉडल के ऊपर इस डिज़ाइन को अप्लाई किया है। आपने एक एक स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को फॉलो किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।